बैक टू लर्न विद परी। मैं हूँ परी। और फ्रेंड्स, आज ना आपको ये सारा सेटअप देखकर आपको लग रहा होगा कि आज का वीडियो कोई एक कुकिंग वीडियो है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज ना हम करने वाले हैं 24 आवर ईटिंग ओनली मिनी फूड। मैं ऑलरेडी मिनी हूँ, शायद मिनी फूड में मेरा पेट भर जाएगा, मगर मुझे ना बहुत भूख लगती है, तो फिर मुझे नहीं पता मैं इतने छोटे छोटे चीजें खाकर मेरा पेट कैसे भरेगा। लेकिन मैं तो ये चैलेंज के लिए पहले जब मैं सुनी थी, मैं पहले डाउट में थी, ये चैलेंज में इससे ज्यादा स्पेशल है क्या। मगर फिर मुझे पता चला कि इसमें कुकिंग करके जो हाथ को जो खाना खाना है ना, मजा आएगा उसमें मुझे। तो फिर चलो आज का चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं आपको अपने सेटअप का एक टूर दे देती हूँ। बहुत सारी चीजें रियल है, मगर कुछ कुछ चीजें फेक है जो कि मुझे सुंदर लग रहा था, तो मैं ऐसे ही रखी हूँ। तो फिर सबसे पहले ये है हमारा चूल्हा और ये हमारा और एक चूल्हा है, और यहाँ पे हमारा पूरा स्टील का सेट है। यहाँ पर अपर फ्लोर में यहाँ बहुत सारे स्पून हैं, यहाँ पे मटकी है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बाउल्स हैं, ग्लासेस हैं, इसको हम हमारे लैंग्वेज में गरिया बोलते हैं। और यहाँ पे देखो मेरे पास ना रियल चाकू भी है, ये सच्ची में एक रियल चाकू है, और नीचे कप्स और ये बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं। इसको हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं पंखी। इसमें ना हमारा पैर ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे ये वाला पार्ट ना बहुत धार है, तो उससे ना हम सब्जी ऐसे काटते हैं, जैसे कि धनिया पत्ता और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। ये ना मेरे मामा अभी तक भी यूज होते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें भी आ चुके हैं, फिर भी मामा इस पंखी में ही करते हैं। मेरे मामा बोलते हैं अरे अभी जमाना बदल गया है, चाकू यूज करो चाकू। नहीं, मैं इसे ही करूंगी, ये मेरे लिए कम्फर्टेबल है। और यहाँ पे अंदर है हमारा एक छोटू बाल्टी, ये बहुत छोटा है, ये थोड़ा हाँ छोटा ही बोलेंगे इसको भी, मगर ये थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे हमारे और भी बहुत सारे बर्तन हैं, यहाँ पे पूरा लोहे का बर्तन सब है यहाँ पे। हाँ, ये हमारा हॉटकेस है, ये देखो हॉटकेस है, पूरा रियल हॉटकेस है ये वाला। ये हमारे यहाँ ग्लासेस हैं, ये हमारा और भी बड़े बड़े थोड़े ग्लास हैं, और ये देखो फ्रेंड इतने छोटे छोटे टमाटर हमको मिले हैं, पूरा छोटे छोटे टमाटर, इतने छोटे छोटे आलू और फिर प्याज। मिनी चैलेंज है तो फिर इसकी तो बहुत जरूरत है। और यहाँ पे हमारे रबर के फ्रेंच फ्राइज, कॉर्न और मूंगफली है, जिसको हम ओपन करके खा नहीं सकते। ये कुछ डेकोरेशन के लिए इधर रखी हूँ। ये है हमारा पानी बोतल, जिसको मैंने ही पूरा साफ करके पानी भराई है। देखो अभी पीऊंगी मैं थोड़ा। देखो मैं ना 1-2 सेकंड में ही पूरा आधा बोतल खत्म कर ली। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। पूरा पीने का मन है, मगर मैं पानी सेव करूंगी थोड़ा। तो फिर अभी है ब्रेकफास्ट टाइम, और मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ इडली एंड पड्डू, क्योंकि खाली इडली से तो मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरने वाला, तो मैं ना इडली एंड पड्डू दोनों बनाऊंगी। और ये आदि बाबा भी आ गए हमको हेल्प करने को। हाय बोलो आदि। अच्छा ठीक है, शर्मा लो। हमारे पास दो चूल्हा है, तो फिर दो दो रेसिपी इजीली बन जाएगा। तो फिर सबसे पहले मुझे अपना ये टमाटर और प्याज को कट करना है। तो फिर अभी मैं ये अनियन, टमाटर और ये धनिया पत्ते को काटूंगी। अरे बाप रे। Two hours later. तो फिर अभी मैं इन सब चीजों को बड़ी मुश्किल से काट चुकी हूँ, और अभी इसके बाद हमारा यहाँ पे ये हमारा राइस बैटर है, उसमें हमको थोड़ा सा सॉल्ट मिलाना है, थोड़ा सा सॉल्ट। चलो अभी इसको मिक्स करते हैं। तो फिर अभी ये मिक्स हो गया है, और अभी हमको चूल्हा रेडी करना है, और वो तो मुझे थोड़ा डर लगता है, तो फिर मैं मम्मी से हेल्प मांगूंगी। मम्मी थोड़ा सा चूल्हा लगाने में हेल्प कर लो। ओके ओके, अभी इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम। अभी ये पानी को थोड़ा गर्म होने देते हैं, तो अभी इसमें हमारा थोड़ा सा तेल डाल देंगे हम, मतलब तेल ऐसे लगा देंगे, ताकि वो इजीली जो इडली बनने के बाद ना निकल जाएगा, नहीं तो वो चिपक जाएगा।
अभी दूसरे वाले में ऐसे करके 6 हैं, तो फिर वो 6 में हमको ये तेल लगाना है। अभी इसमें हम हमारा इडली का बैटर डालेंगे। अरे आ जाओ, चलो अभी इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ओ बाप रे, ढक्कन थोड़ा गर्म है। ओके ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा बनने को, तब तक हम हमारा पुड्डू बना देते हैं। ओके। कितना ज़्यादा हमारा है। तो फिर अभी हमारा बड़ा वाला चूल्हा जल गया है। अभी थोड़ा सा तेल उसमें डालेंगे। चलो अभी ये पड्डू के बैटर में हम ये सारा डाल देंगे, सारी सब्जियाँ, धनिया, अभी प्याज। इसमें बहुत बुरी तरह से आग जल रही है। बाप रे कितना हवा आ रहा है, इसीलिए मैं मम्मी का हेल्प ले रही हूँ। बाप रे कैसा आवाज आ रहा है, गरम गरम तेल। अभी इसको हम उल्टा रहे हैं। वाओ, पीछे साइड तो अच्छे से पूरा फूला है, पूरा गोल्डन कलर का रहा है, गोल्डन ब्राउन। अभी ये देखो फायर आग, ये देखो पूरा डोर में छुप गया, डरपोक और एक्टिंग का दुकान। तो फिर अभी मैं इसको काट चुकी हूँ और अभी इसको मैं ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और चटनी आ जाएगा हमारा। चलो हम हाथ चलेंगे। Two hours later. अभी ये प्लग को हम लगा देंगे यहाँ और स्विच ऑन कर लेंगे। ओके ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे चटनी आ गया, ये देखो। ओके, तो फिर इस बाउल में हम हमारा चटनी निकाल दिए हैं। पड्डू जरा चेक करते हैं कैसा बना। ओके, हमारा पड्डू भी रेडी हो गया है, कितना प्यारा हमारा पड्डू बना यहाँ। चलो अभी हमारे पड्डू को हम एक प्लेट में डाल देते हैं। ओके, इतना सुंदर बनाया हमारे ये पड्डू। ये और एक आया, पूरा गोल्डन ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, ऑसम। तो फिर ऑलरेडी तो एक बार मेरा पड्डू बन चुका है, मगर इतने में तो मेरा पेट भरने नहीं वाला, तो मैं ना और एक बार पड्डू बना दूंगी। तो फिर अभी हमारा प्यारा प्यारा इडली पूरा रेडी हो गया है। अभी इसको हमको बस प्लेट में निकालना है। चलो, ओ प्लास्टिक यहाँ तक की गर्म है। तो फिर अभी हमारा इडली बन गया है, तो फिर इस चूल्हे का काम खत्म, इसको अभी हम बुझा देते हैं। ठीक है, ये मेरा फेवरेट काम है। ओके, अभी ये दूसरा राउंड तो गर्म हो रहा है और अभी हम इसमें थोड़ा चटनी डाल देते हैं। ओके चलो, हाँ ये वाले छोटे बाउल में तो चटनी हो गया, अभी यहाँ पे ये हो जाएगा। चलो अभी खाना शुरू करते हैं। हाँ। पहले ये किए, चलो खाओ। न्यूम न्यूम न्यूम। कैसा है? अच्छा है, दीदी थोड़ा ट्राई करेगी। कैसा है? यम्मी है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला खाओगे दीदी? थोड़ा यम्मी। बेस्ट मिनी ब्रेकफास्ट एवर, खुद के हाथों से बनाकर खाने का तो मजा ही कुछ और है। पापा एक पकड़ लो, पापा अभी तो इडली खा लो, आपका फेवरेट, वो भी हम बच्चों के हाथों से बनाया हुआ, डिप करो खाओ। वाओ परी बहुत अच्छा है दीदी। थैंक यू दीदी, ले आए दीदी थे। आज लगता है मैं 10 प्लेट पड्डू खाने वाली हूँ। पापा अरे जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ, दीदी का मिनी बॉटल जो फ्रिज में है, ठंडा ठंडा पानी गो लेकर आओ। 5 मिनट्स लेटर। आदि जल्दी पानी लाओ। ओ थैंक यू आदि, मगर इतने पानी से तो मेरा गला सूखने नहीं वाला है, पहले पी लेती हूँ। ओ मिनी मिनी फूड है, तो फिर इसका खाने का ना कोई लिमिट है ही नहीं, पूरा पेट भरने तक बस खाना है। हाँ तो फिर, और पानी भी आज मैं 10 ग्लास, इडली भी 10 प्लेट, पड्डू भी 10 प्लेट। आदि पियोगे? सॉरी ढुक करो। एक ग्लास पानी तेरे मुंह में फिट नहीं होगा, इतना छोटा ग्लास। आदू पियो दे, 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 दे। गो
मम्मा। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट में तो बहुत मजा आया। अभी आगे आगे देखो कि मैं लंच में क्या बनाती हूँ। नमस्कार, लर्न विद परी के मिनी किचन में आपका फिर से स्वागत है। अभी ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम खत्म हो गया कि मैं हमारा किचन को साफ सफाई करना भूल गई। तो फिर चलो सबसे पहले हम साफ सफाई कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। चलो चलो अंदर घुसो घुसो घुसो। ओके, और ये है हमारा मिनी डस्टबिन। अरे आ जा, निकल जा। हाँ, ओके। और ये है हमारा मिनी, क्या बोलेंगे इसको, झाड़ू, मिनी झाड़ू। सॉरी मेरे प्यारे बाबी डॉल, मैं आपके सारा सामान यूज कर रही हूँ। ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं क्लीन करके आपको वापस दे दूंगी, ठीक है। ओ यादी, हेल्प करेगा साफ सफाई में? पकड़ो, ये करेगा, ये वाला। चलो झाड़ू झाड़ू करो ऐसे। ओके ठीक है, हमारा राइस। हाँ ओके, तो यहाँ हमारा राइस बनके पूरा तैयार है। अभी हम बनाएंगे लेमन राइस। चलो ओके। हाँ, ये कढ़ाई थोड़ा गीला था, तो फिर अभी ये आग जल रहा है ना, तो पूरा गीलापन चला गया है पूरा। अभी इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ओके चलो, ओके ठीक है। ओके, तो फिर ये पूरा गर्म हो गया। अभी हमारा काम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको डाल देंगे, इसको चलो। ओके, मेरा ना बीच में यहाँ पे पूरा वो गर्म तेल पूरा आ गया ये जगह में। फ्रेंड्स, अब आपको पता है कुकिंग भी ना एक आर्ट है। कुकिंग करने में भी बहुत मजा आता है, मगर अगर आप छोटे हो ना, तो आपको पेरेंट्स की सुपरविजन से ही कुक करना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए हार्मफुल है। नहीं तो कुकिंग भी एक आर्ट है। ओके 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 ओके। पहले आँख में, फिर शोल्डर में, फिर एंकल में, क्या कहाँ कहाँ जा रहा है ये। ओह माय गॉड, इसमें तो हालत खराब हो जा रही है। ये मम्मी लोग कैसे खाना बनाते हैं, मेरा तो पूरा हर जगह, पहले यहाँ फिर यहाँ। नेक्स्ट टाइम मैं कंबल ओढ़ के कुकिंग करूँगी। ओके चलो फ्रेंड्स, अभी इसमें हम थोड़ा लेमन जूस डाल देते हैं। ओके, अभी हम इसमें थोड़ा राइस डालेंगे। अभी हम धनिया पत्ता काट लेते हैं। ओके, कट 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 कट। चलो अभी ये धनिया पत्ता राइस के ऊपर डाल देते हैं। अभी मिक्स। चलो अभी हम हमारा रायता बनाते हैं। पहले हम कुकुम्बर डाल दिए हैं, अभी हम थोड़ा सा कैरेट डालेंगे। ओ बाप रे। ओके, अभी इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। अभी हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। ओके ठीक है, अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम लास्ट में धनिया पत्ता डालेंगे। अभी हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। ओके ठीक है, अभी हम राइस डालेंगे प्लेट में राइस। ओके ना, मैं सारा तो ले जाती हूँ, मगर मेरे प्लेट में जगह नहीं है। मैं फिर आऊँगी लेने के लिए, ठीक है, तुम यहाँ मेरे लिए वेट करो। ओके, और ये है मेरा आज का लंच। चलो खाते हैं। ऑसम, कितना यम्मी है। मेरा ना फेवरेट लेमन राइस है, आई लव लेमन राइस। मैं पूरा कढ़ाई खत्म कर ली हूँ, अभी खाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर द
ब्रेक। तो फिर अभी मैं बैडमिंटन क्लास जाऊंगी, अभी मैं बैडमिंटन क्लास का टाइम हो गया है। और मैं ना ये छोटू बॉटल लूंगी, एक ढुक में ही पीना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं फिल्टर को जाऊंगी करके पी लूंगी। हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी, मैं लेट हो जाऊंगी नहीं तो। बाय। 2 hours later. So friends, अभी मैं बैडमिंटन क्लास से आकर फ्रेश होकर पूरा ड्रेस चेंज करके यहाँ रेडी हो गई हूँ। और मेरे अंदर ना ताकत नहीं है, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। और मैं मेरे पास इतना ताकत नहीं है कि मैं खाना अभी बनाऊंगी। दीदी दीदी हाँ दीदी नहीं आए, शायद नहीं आए। हाँ ठीक है। मम्मी थोड़ा सा कुछ एक रेडीमेडली एक स्नैक्स दे दो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है परी। और हाँ सब मिनी खाना देना, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरा ना पूरा हाथ में देखो पूरा काला काला हो गया है, यहाँ भी कहीं कहीं काला काला हो गया है। मैं जितना भी हैंड वॉश करूँ ना ये निकल ही नहीं रहा है। आपके लिए देखो फ्रेंड्स मुझे कितना मेहनत करना पड़ रहा है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। ये लो परी। वाओ आदि जी कितना ऑसम स्नैक है। तो भी चलो मैं आपको बोल देती हूँ स्नैक्स में क्या क्या है हमारे यहाँ। ये है फ्रूटी आदू का फेवरेट, ये है हमारा पेप्सी, ये देखो पेप्सी का बॉटल भी है हमारा, और इसमें देखो बबल है यानी कि ये रियल पेप्सी है हमारा। ये टूटू जूस है, ये एक गमी बर्गर है, और ये लिटिल हार्ट है, मिनी मिनी हार्ट बिस्किट। ये है हमारा थोड़ा मिनी चॉकलेट लड्डू, चॉकलेट लड्डू। ये है मिनी समोसा और पानी। आदि पहले क्या खाओगे, सॉरी पियोगे? ये फ्रूटी की, ये फ्रूटी नहीं फ्रूटी। अच्छा ठीक है आदि ये वाला फ्रूट पिएगा। दीदी ये एक हाथ से निकालना है। हाँ हो गया हो गया हो गया, लो पियो। ये असली फ्रूटी है, क्या ये चॉकलेट है? चॉकलेट मिल्क शेक है बुद्धू, ये चॉकलेट मिल्क शेक है, ये फ्रूटी। ओके ठीक है चॉकलेट लड्डू। गमी थोड़ा सा गमी खाएंगे हम। छोटा बाइट छोटा बाइट छोटा बाइट छोटा बाइट छोटा बाइट। आई हाँ हे गया भी नहीं। आई 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 ऑसम बर्गर गमिता। अभी जूस असली फ्रूटी था ये जो कि आदू को पीना था नहीं। पेप्सी पी लो। बस एक ही डुक में खत्म। अच्छा हो मम्मी इतने सारी चीजें लाए हो, मैं तो पेट नहीं भरता। अभी थोड़ा सा बिस्किट खा लेते हैं, स्वीट स्वीट बिस्किट। बहुत ज़्यादा स्वीट है, क्रंचियों के बहुत यम्मी है। लिटिल हार्ट्स। तो फिर अभी डिनर बनाने के लिए थोड़ा हमको ना हमारे किचन को साफ कर रहे हैं। आधी शायद झाड़ू वो सब कर रहे हैं, मैं शायद चीज़ें सेट कर रही हूँ। हाँ 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं, देखो ऐसे देखो दो ऐसे देखो पूरा काला हो गया। ऐसे क्लीन करते हैं। और डस्टबिन कहाँ है भाई? और डस्टबिन बाबा ये रहा डस्टबिन, जरा डाल देते हैं ऐसे देखो कितना कोको आया करो। ओके तो फिर अभी बारी है हमारे डिनर बनाने की, और डिनर में मैं बना रही हूँ कोई एक सिंपल सा डिनर यानी कि पराठा एंड कर्ड। पराठा एंड कर्ड मुझे बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ पे हमारा आटा है, पानी है, तेल है, हमारा तवा है और ये। तो फिर चलो सबसे पहले हम आटा गूंथते हैं। पहले थोड़ा सा नमक, पानी डालते डालते हम इसको गूनेंगे। चलो तो फिर अभी यहाँ पे हमारा तवा गर्म हो रहा है, अभी हम यहाँ पे हमारा पराठा बनाएंगे। दो मैं ट्राई कर रही हूँ पराठा वो ट्रायंगल शेप का होता है ना, तो मैं ट्राई कर रही हूँ ट्रायंगल बनाने की। ओके मैं ट्राई की हूँ इसको ट्रायंगल बनाने की। हाँ ट्रायंगल मुझे थोड़ा लग रहा है। अभी हम हमारा बाकी पराठा भी बनाते हैं। आदि क्या बना रहा है? अरे 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 रुको अभी ठीक से हुआ नहीं है, इसको अच्छे से रोल करते हैं।
आदु तुम हार्ट बना रहे थे क्या? हाँ। अच्छा करो बेलो पकड़ो ऐसे ऐसे नहीं ऐसे हाँ यहाँ ऐसे पकड़ो अभी इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे हाँ ऐसे दूसरा साइड बाउंसिंग बॉल यहाँ पे मैं चेक करी थी कि तवा गरम हुआ है कि नहीं पूरा बाउंसिंग बॉल ही बन गया पानी यहाँ तो फिर ये है मेरा मिनी हॉट केस और अभी हम हमारा पराठा बनाएंगे चलो मैं पहली बार पराठा बना रही हूँ शायद ओके कुछ हुआ नहीं हाँ ओह गॉड वाओ ओके ये हमारा पहला पराठा हो गया रेडी ओह माय गॉड कितना प्यारा बना है अभी हम हमारा और एक बनाएंगे चलो वाओ कितना सुंदर बना है हमारा ये पराठा कैसे होगा ये आजा हैप्पी बर्थडे टू चूल्हा तुमसे ना हो पाएगा तो फिर मेरा गरम गरम पराठा ठंडा हो जाएगा तो फिर चलो इसको क्लोज कर लेते हैं तो फिर अभी हमारा पराठा तो बन गया है अभी हम हमारा स्वीट दही बना देते हैं ओके ठीक है इतना शुगर मिक्स 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 परफेक्ट अभी हम हमारा पराठा निकाल कर खाना शुरू करते हैं गर्मा गर्म पराठा ये देखो कितना मस्त बना है वाह मजा आ जाएगा हम आधा पराठा एक बार में खा लेंगे awesome. पूरा हुआ पराठा गर्मा गर्म है ये स्वीट स्वीट है ओ आदि कैसा है जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है अच्छा है कि बुरा है गजब बेइज्जती है इसको डिप करके देंगे हम आदि को यम दीदी ने फर्स्ट टाइम आदि के लिए हाथों से पराठा बनाई है पांच पांच पराठा बाप रे तो फिर अभी हमारा खाना तो हो गया है और अभी है डेजर्ट टाइम तो फिर डेजर्ट में है हमारा पेस्ट्री मीनिंग पेस्ट्री खाएगा आदि को देती हूँ ये हमारा मिनी पेस्ट्री का पहला बाइट जाता है आदि को कैसा है अच्छा दीदी थोड़ा खाती है एक ही बाइट में ये पेस्ट्री खत्म हो जाएगा तो फिर मैं निबल क्यों कर रही हूँ दीदी ट्राई ट्राई सो फ्रेंड्स अभी आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ और ये देखो फ्रेंड्स मेरा पूरा बॉडी देखो पूरा काला काला हो गया है मेरा पूरा बॉडी देखो काला काला पूरा हो गया है देखो अभी मैं थोड़ा बहुत टायर्ड हो गई हूँ खाना बनाकर इतना मेहनत से छोटे छोटे गरम गरम खाना बनाती हूँ मिलता है बसता मगर फिर भी आज के चैलेंज में मुझे काफ़ी मज़ा आया मुझे ना सबसे ज़्यादा यम्मी लगा हमारा स्नैक्स थैंक यू फ्रेंड्स अब कितने अच्छे अच्छे चैलेंजेस के आइडिया देते हो मज़ा आ जाता है आगे आगे भी ना आपको कौन कौन से वीडियो देखना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ओके तो फिर आपको भी मज़ा आएगा मुझे भी मज़ा आएगा फ्रेंड्स अगर आपको आज के वीडियो अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और अगर आप चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ओके फ्रेंड्स बाय थैंक यू गुड नाइट आदु दीदी क्या बना रही है इडली अभी दीदी इसके बाद ना तुम सफाई कर मेरा गरम गरम पराठा ठंडा हो जाएगा मैं बोल रही थी
पन्ना।